सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्यून जार्स नॉइस का एक नेक बैंड के बारे में, और ये अप्रॉक्स में आपको 1200-1300 रुपीज़ में मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, कंप्लीट अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाला हूँ। अगर आप एक ऐसा नेक बैंड ढूंढ रहे हैं जो कि आपके एप्पल के फ़ोन में या एंड्रॉयड के फ़ोन में सभी जगहों पे काम करे और बेस्ट है, इसमें कुछ एडिशनल फीचर था जिसके लिए मैंने बाय किया, तो कंप्लीट इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं, रिव्यू करते हैं, इसके म्यूजिक सिस्टम को समझते हैं, एंड आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा कि आपको ये प्रोडक्ट वर्थ है, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये आपको मिल जाता है इस कुछ इस तरीके के पैक में। फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या मिल जाता है और फिर इसके म्यूजिक क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल ये अमेज़न से ऑर्डर किया था, और पैकेजिंग तो ओके है, बट लेना बहुत जरूरी होता है, तो मैं फटाफट इसको ओपन कर देता हूँ इसके बॉक्स को। तो सबसे पहले ये किया यहाँ पे निकलता है, बाकी इसके बॉक्स में कुछ नहीं है, एंड कुछ मैनुअल निकल जाता है। एक चार्जर है जो कि मतलब यूएसबी है, और ये पुराना मतलब कि टाइप का चार्जर है, और कुछ नेक बैंड ये है, एंड वैसे तो सब कुछ ओके है। यहाँ पे भी पेपर वर्क के लिए सब दिया हुआ है। तो इसके बाद फटाफट आप देख लो, प्रोडक्ट ये है, पैकेजिंग तो ओके है, बट जब तक इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट ना कर लो, यूज़ ना कर लो, तो पता नहीं चलेगा। प्रोडक्ट ओपन होने के बाद ये चार्जर को मैं अभी साइड में रख देता हूँ, एंड कुछ एडिशनल आपको क्लिप मिल जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे लगा सकते हो, अपने कान के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है, और एक मिड साइज़ का ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। बाकी बॉक्स की पैकेजिंग तो अच्छी थी, एंड ये आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है। और इसके ये बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा लगा। एंड वायर वगैरह भी, ये जो वायर है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी हाई फाई मतलब काफ़ी मजबूत वायर है, और ये प्लास्टिक का नहीं है, इस पर कोई मेटल लगा हुआ आई थिंक ऐसा कुछ लग रहा है, बट ये हैवी अच्छा प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक या रबड़ का यूज किया गया। ओके, यहाँ पे नॉइस का एक आपको लोगो मिल जाता है, एंड उसकी ब्रांडिंग मिल जाती है, इधर इसका कुछ ब्रांडिंग वगैरह सब मिल जाता है। ये राइट साइड लेफ्ट साइड का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है एक माइक ऑप्शन, वॉल्यूम अप डाउन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है प्ले एंड पॉज के लिए। तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा बस के लिए यहाँ पे मिल जाता है कि मतलब आप एडिशनल म्यूजिक सुनते समय जो कुछ भी है एक्स्ट्रा मतलब कि बेस वगैरह चाहते हैं तो वो यहाँ से प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। आई डोंट नो कितना ये प्रोवाइड करता है, बट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कितना ज़्यादा ये इफेक्ट डालता है हमारे म्यूजिक को सुनते समय या ऑडियो क्वालिटी को। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है, और बस इतना ही इसमें मिलता है। सबसे बेस्ट यहाँ पे हमें ये लगा कि अगर इसमें आप देखेंगे इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, और ये एक मेटेलिक मतलब कि एक मैग्नेटिक वोप है, ये मेटेलिक नहीं है, यहाँ पे मेटेलिक दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक है, ऐसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इसको। और कभी भी जैसे ये एक बेस्ट हो जाता है ना, जब भी आप कभी रनिंग कर रहे हो जो कुछ भी है, तो गले में डाल दो इसको, और ये मतलब कि सामने से चिपक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गिरने का चांस नहीं रहेगा। बस ये डिज़ाइन रहा। अब इस नेक बैंड के बारे में हम बता देते हैं कि कैसे आप इस पर्टिकुलर नेक बैंड के ऑडियो क्वालिटी का मतलब यूज़ करना और सारी चीज़ें। इसके कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, पेयर पे क्लिक कर देना है एंड आपका कनेक्टिविटी हो गया। तो यहाँ पे 100% बैटरी अभी रिमेनिंग में है, मतलब कि ये फुल चार्ज है। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल करता हूँ तो देखता हूँ क्या कंट्रोल हो रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अगर मैं इधर दिखा दूँ ऐसे करके तो भी वॉल्यूम का कोई वो नहीं है। एक बार वॉल्यूम लेवल मैं यहाँ से एडजस्ट करके देख लेता हूँ, अगर इस तरीके से है तो ये वॉल्यूम तो यहाँ से एडजस्ट नहीं हो रहा है, बट हाँ लेट मी प्ले अ म्यूजिक, हम लोग यहाँ पे कोई म्यूजिक प्ले कर लेते हैं और
तो म्यूजिक प्ले होते समय आसानी से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, ओके, तो ये वर्क कर रहा है। ऑडियो क्वालिटी काफ़ी तेज़ है। अगर मैं एक्स्ट्रा बेस की बात करूं तो ये ऑप्शन कितना काम करता है मैं चेक कर लेता हूं। बेस की अगर क्वालिटी की बात करें, इस बेस ऑप्शन से थोड़ा सा हमें क्या मिलता है, कुछ ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं। म्यूजिक एक्सपीरियंस एंड ऑडियो क्वालिटी वगैरह मैं चेक करके प्रॉपर आपको बताता हूँ कि हाँ ये कितना वर्थ है हमारे लिए, हमें बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में कंप्लीट आपको पता चलेगा। तो चलिए इसका म्यूजिक क्वालिटी वगैरह टेस्ट करते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिल जाता है। ऑलरेडी ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है। अगर इसके मतलब की क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जब भी आप इसको कनेक्ट करते हो अपने मतलब की ईयरफोन से, मतलब हेडफोन से या मोबाइल से, इसको जब आप कनेक्ट कर लेते हो और इसका जो ये पॉइंट है आप जो कान में लगाते हो, ये काफ़ी स्मूथ मतलब कि काफ़ी रिलायबल है, अच्छा है और आसानी से सेट हो जाता है, फिट हो जाता है। इसमें ये आपको अलग से मिल जाता है इसका पॉइंट, जिसमें आप चेंज कर सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, और ये इस तरीके से लगा लेते हो, बाहर की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। एंड इसका क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे लेवल की इसकी क्वालिटी है और काफ़ी स्मूथ वॉइस मिल जाता है। जब भी आप इसको इस तरीके से यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप इस तरीके से लगा सकते हो और ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम आपको लगेगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये यूज कर रहा हूँ मैं, और ये मेरे आईफोन से भी कनेक्ट हो जाता है, और जो इसका बटन है सारा बटन भी काम करता है, कंट्रोल करता है और सारी चीज़ें हैं। एंड म्यूज़िक के बारे में अगर मैं बात करूं, काफ़ी स्मूथ एंड जो इसके बेस ट्रेवल की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा है। इसमें 13 mm का ड्राइवर मिल जाता है, और अगर आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हो काफ़ी मतलब रिलैक्स फील करोगे, और ये सारी चीज़ें, म्यूज़िक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इस वजह से मैंने इसको बाय किया। और मैंने इसमें लगभग में 10-20 मिनट तक सॉन्ग वगैरह प्ले किया, वीडियो सॉन्ग, यूट्यूब सॉन्ग। बट जो इनबिल्ट सॉन्ग आप अगर 320 kbps पर जो डाउनलोड करते हो MP3 क्वालिटी का, तो वो काफ़ी अच्छा इसमें चलता है। अलग से जो इसमें बेस को बढ़ाने के लिए ये जो बटन दिया हुआ है, इसमें आप वॉइस को कंट्रोल कर सकते हो, इसमें इको वॉइस ला सकते हो, एंड ओरिजिनल साउंड है प्लस बेस एडिशनल ऐड करने के लिए है, तो ये काम करता है और काफ़ी अच्छे लेवल पर ये काम करता है, और बहुत ही अच्छे लेवल पर आप इसमें क्वालिटी को सुन पाएंगे। हाँ, माना कि ये उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जितने कि आपके अगर एप्पल की सीरीज़ में आप एप्पल का ईयरफोन यूज़ करते हो, क्योंकि उसके जो प्राइसेस होते हैं आपको पता ही है। नॉर्मल हेडफोन आपको 3000-4000 का आता है, प्लस इसका जो नेक बैंड आता है या जो भी मतलब इसका एयरपॉड्स आता है, वो भी आपको 8000-10000 से स्टार्टिंग होता है सारी चीज़ें। तो ये एक ऑप्शनल है, आप इसको बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको साउंड क्वालिटी मिल जाता है और काफ़ी रिलायबल इसमें आपको साउंड क्वालिटी मिलता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई बाहर से अगर देखेगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोकल हेडफोन या कुछ ऐसे यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल एक नॉइस का ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगो और इन सब चीज़ों के साथ दिखेगा, काफ़ी प्रीमियम फील होता है, और किसी भी तरीके से कोई ये नहीं कहेगा कि काफ़ी सस्ता आप यूज़ कर रहे हो। तो ये एक ऑप्शनल था, और ऑडियो क्वालिटी रियली अच्छी है, बहुत अच्छी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप बाय कर सकते हो। और बाकी यही है, बैटरी अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं इसको 2-3 घंटे यूज़ करने के बाद, लगभग मैं आज पूरा दिन, मैं वीडियो को काफ़ी देर बाद शूट कर रहा हूं अनबॉक्सिंग के बाद, तो ये 2-3 घंटे के बाद और आज पूरा दिन कनेक्ट रहा हमारे डिवाइस से, बट फिर भी ये 80% अभी चार्ज है। और ये मतलब कि आप इसका बैटरी का जो लेवल है, ये जब एंड्रॉयड फ़ोन से आप कनेक्ट करते हो तो इसमें पता चलता है कि कितना परसेंट अभी बैटरी रिमेनिंग और ये सब चीज़ें। तो मतलब कि अगर मैं इसको 2-3 घंटा यूज़ कर रहा हूँ, प्लस दिन भर फ़ोन से कनेक्ट है, नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें, प्लस कुछ वीडियोस वगैरह भी मैंने अपने खुद के जो शूट किया था वो सब देखा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक अच्छे प्राइस पर। तो बिल्कुल इसको चेकआउट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स मैंने बता दिया, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।